दिगोद अभिभाषक परिषद एक बार फिर आंदोलन की राह पर। दिगोद न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी के खिलाफ बैठे धरने पर रणजीत कलिंदर ने किया शुरू। लगातार आमजन के साथ असंतोषजनक व्यवहार और न्यायिक कार्यों में अरुचि के विरोध में शुरू किया धरना प्रदर्शन। पुणे जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के दिगोद में यहाँ एक बार फिर अभिभाषक परिषद आंदोलन की राह पर चला गया है। यहाँ पर क्षेत्र में इन दिनों जनता की समस्याओं को लेकर कोई जानी दूरी नहीं है। ऐसे में शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में लोगों के संपर्क का बांध भी टूटने लगा है। गुरुवार को अभिभाषक परिषद दिगोद द्वारा उपखंड अधिकारी दिगोद और न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यशैली को लेकर विरोध करते हुए न्यायालय परिसर में अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया। अभिभाषक परिषद दिगोद अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, महासचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी द्वारा न्यायालय में बैठकर कोई न्यायिक कार्य नहीं किया जा रहा, तो वहीं नहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सिविल के प्रकरणों में कोई सुनवाई की जा रही है। ऐसे में पक्षकार परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के विरोध में यहां उन्होंने अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया है। जब तक कि एसडीएम का स्थानांतरण नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर यहां अभिभाषक परिषद के जितेंद्र शर्मा, कौशल किशोर वैष्णव, शिव प्रसाद शर्मा, जगदीश शर्मा एडवोकेट, राम बाबू समेत कई अधिवक्ता मौके पर मौजूद थे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर यहां प्रशासनिक कार्यशैली के खिलाफ कार्यवाही भी की और सुधार करने की मांग की गई।